टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। होली का पर्व जुमा के दिन है और इसी दिन शबे बारात भी है, मगर इसी बीच अलीगढ़ में प्रशासन द्वारा एक मस्जिद को कपड़े और पन्नी से ढके जाने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रंगों के पर्व होली को मनाए जाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अलीगढ़ में स्थित एक मस्जिद को सुरक्षा के कारणों से ढक दिया गया है। मस्जिद को ढकने को लेकर जानकारी मिली है कि ये पिछले 5 सालों से होता आ रहा है और सुरक्षा के कारणों के चलते इस बार भी प्रशासन ने मस्जिद को कपड़े और पन्नी से ढक दिया है। आपको बता दें कि अब्दुल करीम चौराहे पर यह मस्जिद स्थित है और इस संबंध में एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया है कि होली के मौके पर मस्जिद पर रंग पड़ने और गंदगी से बचने के लिए पिछले 5 सालों से प्रशासन मस्जिद को ढक देती है। ऐसे में इस बार भी पन्नी और कपड़ों से मस्जिद को ढक दिया गया है। मेरा हाजी मोहम्मद इकबाल। किस मस्जिद को आज ढका जा रहा है, क्यों ढका जा रहा है, क्या मतलब? ये मस्जिद हलवाई आने में त्योहार होता है होली पे, इस पर रंग और गंदगी वगैरह और जो कुछ है बोला पड़ा, इस वजह से प्रशासन ढकवाता है इसको। ये क्या मकसद रहता है? बस ये मस्जिद में गंदगी नहीं पड़े, कलर नहीं पड़े, गंदा कलर या वो क्या होता है। यहाँ पर होली होती है इस चौक पे। अच्छा, कौन लोग खेलते हैं? ये हिंदू लोग खोलते हैं, त्योहार है होली। अच्छा, कितने सालों से हो रही है ये? करीब 5 साल से ढकी जा रही है। अच्छा, तो क्या कहा जाता है ढकने से पहले, क्यों ढकवाई जाती है? नहीं, ये कोई प्रशासन ढकवाते हैं, इसमें गंदगी नहीं पड़े, रंग नहीं पड़े। अच्छा। इस एहतियात के तौर पर। अच्छा, ये बताइए मुतवल्ली साहब, 5 साल पहले भी होली हुआ करती थी, तो नहीं ढका जाता? नहीं, उससे पहले ढकी जाती थी। तो अब ऐसा क्यों हुआ? नहीं, अभी एकदम अचानक प्रशासन की वो है, ढकते हैं, ढकवा लो, हमें कोई परेशानी। ये भी कहा जाता है कि जब से योगी सरकार आई है तब से ये, अब ऐसे समझ लो, हाँ, करीब 5 साल से ढकी जा रही है, इससे पहले ढकी जाती थी। तो योगी सरकार के आने के बाद से शुरुआत हुई है? हाँ, जब से शुरुआत हुई है। तो आप लोग इसमें सहमति देते हैं? हम देते हैं, हमें परेशानी है, हमारे लिए तो अच्छा ही है। हाँ, हमारे लिए अच्छा ही है, मस्जिद साफ सुथरी बनी रहेगी। अच्छा, ऐसी है।